एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा को 30 रख के चेक करते हैं। पहले एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, cos 2 थीटा की जगह पे 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। cos 2 को 30 से मल्टीप्लाई करवाएं, 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 1। cos 60 की जगह पे आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 2 cos 30 की जगह पे √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1। 1/2 इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर √ से कैंसिल हो गया, 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। 1/2 इक्वल आ जाएगा 3/2 को 4 से कैंसिल करें तो डिवाइड में 2 माइनस 1। 1/2 इक्वल्स टू 3 माइनस 2/2। 1/2 इक्वल्स टू 3 में से 2 माइनस करें 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। अब थीटा को 45 रखेंगे, एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, कॉस 2 45 डिग्री इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। कॉस 2 को 45 से मल्टीप्लाई करवाएं, 90 इक्वल्स टू 2 कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 1। कॉस 90 जीरो आ जाएगा इक्वल्स टू 2 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 1/स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 2 2 से कैंसिल हो गया, 0 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 तो 0 इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।